ये देखिए माँ दुर्गा की सुंदर सी प्रतिमा बनी हुई है। इसमें लगभग कलर हो चुके हैं और कुछ का बचे हुए हैं, जैसे कि श्रृंगार का बचा हुआ है, आंख बनाना बचा हुआ है, और जो ऊपर में मुकुट है उसका काम भी बचा हुआ है, और पूरे श्रृंगार का बचे हुए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ललित देवांगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आप लोग को लेकर आया हूँ धनौत गांव। पिछले टाइम मैं आप लोग को लेकर आया था यहाँ पे दिखलाने के लिए गणेश, यहाँ पे मूर्ति बनाया जाता करके, और इस बार मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर माँ दुर्गा की जी की मूर्ति बनाया जा रहा है। अभी तक आप लोगों ने ऑर्डर नहीं किया है तो आप लोग ऑर्डर बिल्कुल करिएगा। और कुछ भाइयों ने कमेंट भी किया था कि आप यहाँ जब आओगे या आना होता है तो आप यहाँ पे मूर्तिकार जी का नंबर लाइए करके, तो आपको इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा बता दूंगा कि यहाँ का मूर्तिकार का नंबर, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे मूर्ति बनाया जा रहा है, किस तरह से बनाया जा रहा है, कलर किया है कि नहीं किया है, ये सब चीज़ आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल रही है। और अभी देखो बारिश हो रहा है हल्की हल्की, इस कारण से यहाँ पे देखो सारी मूर्तियाँ भी ढक कर रखे हुए हैं। तो जितना हो सकेगा मैं अंदर जाऊँगा और अंदर का जितने भी मूर्ति है वो सब चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मूर्तिकार मेघुराम चक्रधारी जी ग्राम थनौद, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो आप पॉज करके नंबर नोट करिएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ ये थनौद गांव में है। तो आप यहाँ पे जब आते हो या नहीं आना हो पाता है तो आप नंबर के थ्रू यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, अगर अभी तक आप लोगों ने ऑर्डर नहीं किया होगा तो। गाइस, तो देखिए यहाँ पर मूर्ति बनना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा बना है माँ दुर्गा का, आप देख सकते हो। इसमें अभी सफ़ेद कलर से कोटिंग किया हुआ है, इसमें अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं। यहाँ पे देखो साड़ी में कलर करना बाकी है और श्रृंगार का काम अभी बचा हुआ है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है प्रतिमा। तो आप यहाँ आकर विजिट करिएगा, क्योंकि ये जो जगह है थनौद में है और ये मेघुराम चक्रधारी जी के यहाँ का मूर्ति है। बाकी और आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ इस साइड के एरिया में, आप देखिए सुंदर सुंदर प्रतिमा बनाया हुआ है। ये देखिए, ये शेर है जस्ट सामने में और ये राक्षस, तो उसके जो गला को पकड़े हुए है, और ये है माँ दुर्गा, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर प्रतिमा बना हुआ है। अभी इनका काम लगभग बचा हुआ है, क्योंकि अभी माँ दुर्गा जो स्थापना का जो समय है 7 तारीख के गेट में है, तो इसमें अभी कलर करना बाकी है। बाकी आप यहां आकर पता करिएगा, मैं यहां का नंबर आप लोगों को मैं दे दूंगा, आप यहां आकर पता भी कर सकते हैं और कॉल करके भी पूछ सकते हैं। उस साइड में भी घिसाई का काम अभी चल रहा है, और ये देखिए यहां पर भी सुंदर सी प्रतिमा बनी हुई है माँ दुर्गा की, और शेर पर विराजमान है हमारी माँ दुर्गा। इस साइड में भी अभी बना रहे हैं, आगे साइड में आप लोग को लेकर जा रहा हूँ। गाइस, तो मैं आप लोग को पीछे साइड के एरिया में लेकर जाने वाला हूँ, वहाँ पर कलर का काम किया जा रहा है। अभी कुछ कुछ में कलर किए हुए हैं और कुछ में अभी कलर नहीं किए हुए हैं, क्योंकि अभी जो स्थापना होने में लगभग अभी 10 से 15 दिन का टाइम है, उस बीच में आप लोग को लेकर आने वाला हूँ, और जो लगभग हो गया है उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे कुछ कुछ का काम बचा हुआ है वो सब चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूँ। मैं चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं। ये देखिए माँ दुर्गा की सुंदर सी प्रतिमा बनी हुई है, इसमें लगभग कलर हो चुके हैं और कुछ का बचे हुए हैं, जैसे कि श्रृंगार का बचा हुआ है, आंख बनाना बचा हुआ है, और जो ऊपर में मुकुट है उसका काम भी बचा हुआ है, और पूरे श्रृंगार का बचे हुए हैं। और यहाँ पर भी देखिए शेर, और नीचे में है राक्षस बनाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाया हुआ है। यहाँ के जो ऑनर है मेघुराम चक्रधारी जी से बातचीत करेंगे कि कहाँ कहाँ का दुर्गा ऑर्डर है। ये देखिए सुंदर सी प्रतिमा यहाँ पर भी बनी हुई है, इसमें तो लगभग पूरे काम बचे हुए हैं, और पीछे में जो डिज़ाइन किया है ना वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, और इसमें जो चेहरे में और हाथ में और यहाँ पे ये देखिए शेर में लगभग अभी हो चुके हैं, और बाकी जो शरीर में और पीछे साइड के एरिया में लगभग काम बचे हुए हैं, और यहाँ पर भी बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे पहले से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या मैं आपको नंबर दे दूंगा, बातचीत करके आप ऑर्डर ले सकते हैं, यहाँ पे पहले से भी बना के रखे हैं। और ये देखिए इसमें अभी कलर किया जा रहा है भैया जी, यही ऑनर है मेघुराम चक्रधारी जी। तो आप देख सकते हो ये वाला जो मूर्ति है अभी कैंप 1 पावर हाउस में जाने वाला है, तो ये ऑर्डर का है, आप देख लीजिए।
तो इसमें लगभग कलर किया जा रहा है और श्रृंगार का तो पूरा बचा हुआ है। श्रृंगार कुछ दिन पहले ही करेंगे इसको, तो श्रृंगार में भी टाइम है। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर छोटी सी माँ दुर्गा की प्रतिमा है, और ये देखिए तो अभी सफेद कलर से किया हुआ है। लगभग काम यहाँ पर पूरा बचा हुआ है। यहाँ पर भी है माँ दुर्गा की सुंदर सी प्रतिमा बनी हुई है। गाइस तो यहाँ पर आप देखिए सुंदर सी छोटी छोटी प्रतिमा बने हुए हैं माँ दुर्गा की, और यहाँ पर गणेश भगवान जी हैं। घर अभी उन्होंने खाना खा रहे हैं, और यहाँ पर है माँ दुर्गा की। तो अभी से तैयारी हो चुके हैं, अभी बड़ी मूर्तियाँ नहीं बना रहे हैं, और छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे सरस्वती माता के, आप देख लीजिए। तो इसमें तो अभी लगभग पूरे काम बचे हुए हैं। इसमें माँ दुर्गा की हैं और माँ सरस्वती दोनों आपको मिल जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। चलिए आगे सर देखते हैं, और यहाँ पर भी अभी काम बचा हुआ है। देखिए अभी अधूरा है, अभी लगभग इसको कंप्लीट होने में 2 से 4 दिन और लगने वाले हैं। इसमें फिनिशिंग का काम बचा हुआ है। यहाँ पर है माँ दुर्गा की और सुंदर सी प्रतिमा बनी हुई है, आप देख लीजिए। और इसमें भी लगभग अभी काम बचे हुए हैं। मैं अभी आया हूँ लगभग, आज की अगर मैं डेट की बात करूँ तो आज है 26 तारीख है, और ये देखिए यहाँ पर भी सुंदर सी प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखने को मिलेगा। इस पर जो गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया है उसमें आप 6 से 7 फीट रख सकते हैं, और यहाँ पर लगभग सभी 5 फीट 6 फीट 7 फीट के हाइट में सब बने हुए हैं। तो यहाँ आकर आप विजिट करिएगा, अभी टाइम है क्योंकि स्थापना होने में 7 तारीख को माँ दुर्गा का स्थापना है, तो आप उनसे पहले ऑर्डर कर सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने ऑर्डर नहीं किए होंगे तो। चलिए दूसरे साइड अब मैं आप लोग को दिखाते हैं, और अभी सुंदर सुंदर प्रतिमा बने हुए हैं। अभी लगभग इनका काम बचा हुआ करके अभी इसमें ज़्यादा कुछ सजावट नहीं हो पाया है, अभी सजावट होने में काफ़ी टाइम है। तो मैं नेक्स्ट टाइम और आऊँगा तो आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ। बाकी आप देख सकते हैं, अभी से आप ऑर्डर करिएगा अभी तक आप लोगों ने नहीं किए होंगे तो। गाइस तो ये देखिए सुंदर सी प्रतिमा बनी हुई है माँ दुर्गा की। यहाँ पर भाई कलर में सफ़ेद कोट किया जा रहा है, तो इसमें अभी टाइम लगने वाला है। काफ़ी बड़ी मूर्ति है और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर बना हुआ है, तो आप देख सकते हो। गाइस तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।